चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं धातु और उसके यौगिक। इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा जो होती है किसके कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण होती है। किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा जब भी होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के कारण होगी। ओके, चलिए किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? किस कारण से स्टोन कैंसर होगा आपका? तो अम्ल वर्षा अगर होगी, एसिड वर्षा, तो वो क्या होगी? स्टोन कैंसर होगा उससे। स्टोन कैंसर होगा किससे? अम्ल वर्षा से। अमोनिया में उपस्थित क्या होती है? अमोनिया में आपकी उपस्थिति होगी नाइट्रोजन व हाइड्रोजन। अमोनिया में क्या होगी? नाइट्रोजन व हाइड्रोजन होगी। ओके, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। हैबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया का यूज करते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं? किस कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं? तो लोहा का कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। लोहा का, लोहा को कैटलिस्ट के रूप में यूज करेंगे हैबर विधि में अमोनिया प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का यह गुण है कि यह जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देती है, क्योंकि यह बेसिक करेक्टर की होती है। ओके, नेक्स्ट है, जल में आसानी से घुलनशील कौन सी है? अमोनिया जो होती है वो जल में आसानी से घुलनशील होती है। ओके, जैसे पेशाब जल्दी घुल जाती है। ओके, नेक्स्ट है, घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक के प्रयोग में लाए जाते हैं? किसका प्रयोग लाते हैं? अमोनिया का प्रयोग लाते हैं घरेलू प्रशीतक में। घरेलू प्रशीतक में किसका प्रयोग करते हैं प्रशीतक के रूप में? अमोनिया का। आंसू गैस यानी टीयर गैस है कौन? टीयर गैस कैसे बनता है? तो अमोनिया का यूज करके बनाते हैं टीयर गैस। ओके, पित्तल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं होता है वह किसका होता है? तो आपको पता है अमोनिया का होगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा। अमोनिया का होगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा। पित्तल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड के चूर्ण से निकलने वाला वो जो धुआं होता है वो किसका किसका होता है? तो धुआं होगा अमोनिया का, अमोनियम क्लोराइड का, और क्लोराइड है तो भाई हाइड्रोक्लोरिक रहेगा ही रहेगा। ओके, हाइड्रोक्लोरिक है तो रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं समझ करके। अज्ञात गैस, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जल घोल में लाल लिटमस को नीला कर देगी। ओके, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो अमोनिया NH3 है। कौन होगी? NH3। ये जो है अज्ञात गैस जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है और गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस को नीला कर देगी। ओके, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह कौन सी गैस है? तो अमोनिया है। ओके, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं क्या होती है? हैबर विधि द्वारा उच्च दशाएं हमको यूज करना पड़ेगा, उच्च दाब और निम्न टेम्परेचर। हैबर विधि में अमोनिया का अगर निर्माण करना है तो हाई प्रेशर बनाना होगा और लो टेम्परेचर देना होगा। ओके, टेम्परेचर उसका कम होना चाहिए, प्रेशर हाई कर देना है। हैबर विधि में
जो कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं वह है लोहा, अमोनिया बनाने के लिए। एक्वा रेजिया के आयतन में 1:3 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो देखिए, 1 मोल HNO3 का रहेगा और 3 मोल ऑफ HCl का रहेगा, 3 मोल HCl का। सोना किस अम्ल में घुल जाती है? तो अम्ल राज में घुल जाती है। ओके, एक्वा रेजिया यानी एक्वा रेजिया HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है? बताए थे 1 मोल इसका 3 मोल ऑफ HCl का रहेगा, जिसे अम्ल राज भी कहते हैं। ओके, फास्फोरस का अणु सूत्र क्या है? फास्फोरस का अणु सूत्र P4 होता है। क्या होगा? P4 फास्फोरस का। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन सा है? लाल फास्फोरस जो होता है ये अस्थायी अपरूप होगा। ओके, लाल फास्फोरस जो होगा ये अस्थायी अपरूप होगा, और वाइट फास्फोरस तो तुरंत जल जाती है, जिसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा? बताए थे पीला फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट है, पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है किस में? जल में रखेंगे। किस में रखेंगे? जल में रखेंगे, और किरासन के तेल में सोडियम को रखेंगे। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है कौन सा? लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं दिया सलाई के रूप में। हड्डियों और दांतों में लगभग 50% होता है क्या? 50% होता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। हड्डियों और दांतों में लगभग 50% क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फुर दीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? फास्फोरस के अपरूप में कौन स्फुर दीप्ति का गुण प्रदर्शित करेगा? श्वेत फास्फोरस। तुरंत जल जाती है। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के साथ गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनाया जाता है। क्या बनता है आपका? तो क्या बनेगा? श्वेत फास्फोरस का फॉस्फिन बनेगा। क्या बनेगा? फॉस्फिन बनेगा। ओके, श्वेत फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, सांद्र विलयन के से अभिक्रिया करके क्या बनाया जाता है? फॉस्फिन बनाया जाता है। ओके, श्वेत फास्फोरस को। मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? फास्फोरस है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? फास्फोरस है। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है। इसमें क्या होता है? भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है। माचिस की तिल्ली के सिरे पर किस क्या लगा होता है? माचिस की तिल्ली पर क्या लगा होता है? सरेस लगा होता है। ओके, सरेस तो लगा ही होता है। फिर एंटीमनी ट्राई सल्फाइड होता है। एंटीमनी ट्राई सल्फाइड होता है और सफ़ेद फास्फोरस होता है। क्या क्या होता है? सफ़ेद फास्फोरस, सरेस होता है, कांच का पाउडर होता है, कांच का पाउडर होता है, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड होता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताए थे युद्ध में धुएं का पर्दा बनाना है तो फॉस्फिन का PH3। धुएं का पर्दा बनाना है तो PH3। PH3 का निर्माण कैसे होता है? श्वेत फास्फोरस को कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके तो फॉस्फिन बनता है। इसी को फॉस्फिन का ही यूज करते हैं धुएं का पर्दा बनाने के लिए युद्ध में। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना परसेंट है? 21% है। कितना परसेंट है? 21%। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी?
ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने किया था। ओके। भू प्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा तत्व? भू प्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ओके। ये चारों की तुलना में तत्व में जानेंगे तो हाइड्रोजन, और मेटल में जानेंगे तो एल्युमिनियम। ओके। भू प्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। कौन सा एक अनुचुंबकीय है? तो लोहा जो होती है आपका अनुचुंबकीय चुंबकीय होती है, अनुचुंबकीय नहीं। ऑक्सीजन जो होता है ये नहीं चिपकेगा। ओके। 154 का सी, ऑक्सीजन जो होता है ये अनुचुंबकीय कहलाता है, अनुचुंबकीय ऑक्सीजन कहलाएगा। मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? मानव को जीवन देने के लिए ऑक्सीजन गैस जल से आती है। ओके। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। किसका किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। क्या जलाने जलने में सहायक होता है? ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। ऑक्सीजन क्या होती है? जलने में सहायता करती है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है। किसका किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का ही होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का ही मिश्रण होता है। ओके।